Hello friends, welcome back to my channel. So today I am going to share with you all my internship journey. इसमें यू नो मैं आपको कुछ टिप्स या कुछ ऐसा देने नहीं वाली. दिस इज प्योरली अ वन टू वन, लाइक आप सब लोग मेरे लिए एक ही हो. सो वन टू वन कम्युनिकेशन, जहाँ पर मैं मेरे दिल से ये सब आपको शेयर करना चाह रही हूँ. मुझे ये सब शेयर करना है आप लोगों के साथ, लाइक 2000 अभी सून टू भी 3000 फैमिली मेम्बर्स होने वाले हैं. So I'm blessed. So before I start this video, let me just introduce myself. My name is Sneha Patel. I have just cleared my professional examinations in the year 2020 with an All India rank in all the three stages. Right now I'm doing my internship from Tata Capital Limited. I'm also pursuing LLB. और मुझे आप सब लोगों के साथ connect होना बहुत पसंद है, इसलिए मैं YouTube videos भी बना लेती हूँ. So जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बोल दिया है, इसमें आपको मैं कुछ टिप्स ऐसा कुछ नहीं देने वाली हूँ. ये मैं आपको बस मेरी स्टोरी बता रही हूँ इंटर्नशिप की. लाइक मेरा क्लियर हुआ था मेरा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन फेब 2020 में, बट मेरी जॉइनिंग डेट थी 1 सितंबर 2020. सो बहुत बड़ा गैप था, राइट? तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैं बताने वाली हूँ. सो चलो फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टार्ट करते हैं. आई डोंट नो अगर ये वीडियो लंबा होने वाला या नहीं, बट आई विल ट्राई टू यू नो मैं कम से कम इस वीडियो को एडिट करूं, बिकॉज आई वांट दिस टू बी हार्ट टू हार्ट टॉक. सो हाँ, स्टार्ट करते हैं. मेरा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हो गया, फेब में रिजल्ट आए. मतलब रिजल्ट के पहले वो गुड 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 ये सब चल रहा था, बट रिजल्ट आए एंड फाइनली पास विद एन ऑल इंडिया रैंक 13. खुश थी तभी, बट था एक टेंशन कि अब इंटर्नशिप का क्या, क्योंकि कुछ नहीं पता था कैसे अप्लाई करते क्या करते, कुछ आइडिया नहीं था. फ्रॉम द जीरो, लाइक पढ़ाई पे तो मास्टर एकदम, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतरते ही डर लग रहा था. तो फिर सबसे पहला चीज़ रेज्यूमे बनाना पड़ा. तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस क्लियर हुए, उसके दूसरे तीसरे दिन ही रेज्यूमे बना लिया. ये सब पहले से रेडी करके रखना चाहिए था. लाइक जब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ख़त्म हुई, उसके बाद जो गैप मिलता है जैन फेब, तब भी बना लेना चाहिए था, बट कुछ पता नहीं था ना. तो फिर रिजल्ट आया, उसके बाद रेज्यूमे बनाया, उसके बाद अब अप्लाई कैसे करें. तो मेरे काफ़ी सारे हेल्पफुल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप से वैकेंसीज मिल जाएगी. उन्होंने मुझे ऐड किया, मुझे वैकेंसीज मिली. सबसे पहला वैकेंसी मुझे फुलर्थन इंडिया लिमिटेड, फुलर्थन कंपनी का मिला था. मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, मुझे वहाँ से कॉल आ गया. फिर मुझे टाटा मोटर्स का मिला था, मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, मुझे वहाँ से भी कॉल आ गया. तो सबसे पहला इंटरव्यू मेरा टाटा मोटर्स में था. आई गेस उस दिन मेरे दो इंटरव्यू थे, एक टाटा मोटर्स में था 9-10 बजे और फिर दूसरा फुलर्थन में था 11 या 12 बजे कुछ. तो मैंने उस दिन दोनों जगह इंटरव्यू दिए और दोनों इंटरव्यू मेरे अच्छे गए. फिर HDFC लिमिटेड में इंटरव्यू दिया, फिर नैरोलैक में इंटरव्यू दिया, बहुत सारी जगह इंटरव्यूज दिए. फाइनली मुझे GM मॉड्यूलर में भी मैंने इंटरव्यू दिया. फाइनली मुझे 2-3 जगह से एक्सेप्टेंस आ गया था, बट आई एक्सेप्टेड HDFC लिमिटेड. फिर मेरी जॉइनिंग डेट थी 2 अप्रैल 2020. ये मेरी जॉइनिंग डेट थी, बिकॉज मेरा ना BCom का एग्जामिनेशन चलने वाला था और वो तभी ख़त्म हो जाता. मैं बोला BCom के एग्जामिनेशन के बाद, EDP के बाद, 15 डेज ये सबके बाद आई विल जॉइन. तो 2 अप्रैल रखा मैंने. अब ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मैंने ये डेट एक्सटेंड किया, बट ठीक है, मैंने 2 अप्रैल रखा. मैंने वेट किया कि भाई EDP हो जाए, ये सब हो जाए, मुझे क्या पता था लॉकडाउन अचानक से गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देंगे. तो 2 अप्रैल रखा, बट लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया. सो फिर मेरी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गई. मैंने उनको बोला, वो लोग बहुत अच्छे थे HDFC वाले, दे वर वेरी गुड पीपल. मैंने उनको बोला कि सर मेरा एग्जामिनेशन डिले हो गया, क्या मेरी जॉइनिंग डेट डिले हो सकती है. दे अग्रीड टू दिस. मेरा अभी एग्जामिनेशन जून में था, तो उन्होंने बोला ठीक है. मैंने जून में था, फिर मेरा एग्जामिनेशन जुलाई में आया, उन्होंने बोला ठीक है. फिर जुलाई हो गया, मेरा एग्जामिनेशन हो गया सब. मैंने बोला कि भाई एग्जामिनेशन हुआ था कि नहीं याद नहीं आ रहा, बट मैंने बोला और डिले नहीं करना. मैंने उनको बोला अब एक काम करते हैं, जॉइनिंग डेट रख लेते हैं HDFC के साथ. उन्होंने बोला देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, सो हम इंटरनली सब डिसाइड कर रहे हैं कब आपको ले सकते हो एनरोल, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वी आर नॉट अलाउिंग. सो जब नॉर्मल सब सिचुएशन स्टार्ट होगी तब भी हम करेंगे. फिर मैंने बोला शिट,
इतना डिले हो चुका, लाइक जुलाई हो चुका है, मैं फेब में क्लियर होती, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 months, अब क्या करूँ? मैंने उनको बोला कि आई एम रेडी टू कम टू ऑफिस, आप बस ज्वाइनिंग डेट दे दो, बट देवर लाइक कि गवर्नमेंट की पॉलिसी हम नहीं कर सकते, ऑफिस अलाउड नहीं है. सो मेरी ज्वाइनिंग डेट डिले होती गई, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया. अब आई वॉज लाइक कि चलो मुझे नए दूसरे कंपनीज में एटलीस्ट अप्लाई करना ट्राई करना चाहिए. सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग, मेरा ILNFS में इंटरव्यू हुआ, फिर मैं नैरोलैक बोला था, नैरोलैक में इंटरव्यू हुआ, एंड देन मेरा टाटा कैपिटल में भी इंटरव्यू हुआ. सो टाटा कैपिटल में इंटरव्यू हुआ एंड देवर रेडी टू गिव मी इंस्टेंट ज्वाइनिंग, लाइक 1st September से ज्वाइनिंग था एंड वर्क फ्रॉम होम था, लैपटॉप सब अवेलेबल था. सो आई थॉट ठीक है, आई विल गिव माई इंटरव्यू फ्रॉम यर, मतलब आई विल डू माई इंटर्नशिप फ्रॉम यर. HDFC का चैप्टर क्लोज हुआ एंड जो मेरी ड्रीम कंपनी थी, ड्रीम इन द सेंस मुझे वो कंपनी बहुत अच्छी लगी थी, वहाँ के सीनियर्स बहुत अच्छे थे, मिस्टर अजय सर बहुत अच्छे थे, मिस्टर अरुणव सर, ये सब लाइक यू नो मैंने सोचा था मैं इन सबके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगी, बट वो नहीं हो पाया. तो मैंने अपना टाटा कैपिटल के साथ जर्नी स्टार्ट किया फ्रॉम 1st September. 1st September से मैंने टाटा कैपिटल ज्वाइन किया एंड ये कंपनी भी बहुत अच्छी है, इसके सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत यंग है और यंग एज में काफ़ी सारा अचीव कर लिया है, इनसे भी मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है. और अभी स्टार्ट होते होते यू नो मेरे 10 months ऑलरेडी हो गए हैं, अभी सिर्फ 2 महीने बचे हैं. नाउ आई एम लुकिंग आउट फॉर सम अपॉर्चुनिटीज के और कहाँ मैं जॉब कर सकती हूँ. सो या इस सब जर्नी में मुझे यही समझ में आया कि मेरा और तो कुछ नहीं, बस टाइम वेस्ट बहुत हुआ है, लाइक मैं बस वेट करती गई, मैं डिले करती गई, ये माइंड में रख के कि यार ठीक है ना, आई हैव वन कंपनी इन माय हैंड, मैं कर सकती हूँ इंटर्नशिप वहाँ पे. एंड देवर गुड पीपल, देवर ऑल्सो अलाउिंग मी टू यू नो, बिकॉज मेरी भी एग्जाम्स है, तो देवर लाइक कि हाँ ठीक है आप लेट ज्वाइन करो, देवर वेरी अंडरस्टैंडिंग पीपल. मैं डिले करती गई एंड मुझे अभी ऐसा फील लाइक आई एम वेरी हैप्पी, मैं टाटा कैपिटल से कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ आई थिंक अबाउट टाइम जो मैंने महीने वेस्ट किए, तो मुझे ऐसा फील होता है कि काश मैंने मेरी ज्वाइनिंग डेट थोड़ी जल्दी दी होती लॉकडाउन के, क्योंकि मेरा इंटरव्यू तो मार्च में ही हो गया था, स्टार्टिंग ऑफ द मार्च, मार्च में दे दिया होता मैंने अपना ज्वाइनिंग डेट, तो इट वुड बी ऑफ वेरी, शायद अभी मैं कहीं और होती, आई डोंट नो कहाँ, बट अभी मेरा इंटर्नशिप हो गया होता. एंड तो मैं आप सब लोगों को बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी है, सीनियर्स अच्छे हैं, वहाँ पर आपको इंटर्नशिप लग रही है, देन डोंट यू नो वेट कि मैं थोड़ा ये होने के बाद ज्वाइनिंग दूंगा, ये होने के बाद ज्वाइनिंग दूंगी, तुरंत ज्वाइनिंग दे दो, सब मैनेज हो जाएगा. आप लोग उनको बोल दो मेरा एग्जाम होने वाला है, ये होने वाला है, सब मैनेज हो सकता है. बट ये जो मिस्टेक, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से दिस, ये जो हुई है मेरे से, आई रिग्रेट दिस, बट एट द वेरी एंड डेस्टिनी इज व्हाट इज, आई बिलीव इन डेस्टिनी एंड आई थिंक मेरी डेस्टिनी मेरे इंटर्नशिप टाटा कैपिटल से करना ही लिखा था. सो ये सब होने के बाद आई ज्वाइन टाटा कैपिटल, सो आई एम हैप्पी अबाउट दिस एज वेल, बट ऑब्वियसली मेरे माइंड में एक वो रहेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ काफ़ी. सो आप सभी लोगों को एग्जाम खत्म होने के बाद एक टास्क दे रही हूँ, आप सभी लोगों को अपना रेज्यूमे बना कर रखना है, आप सभी लोगों को यू नो एग्जीक्यूटिव के बाद अगर आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हो तो तब बना दो, और प्रोफेशनल के बाद तो बनाना ही बनाना है, डोंट थिंक कि पास होऊंगा या फेल होऊंगा, रेज्यूमे बना के रख दो, CV बना के रख दो, और अगर आप श्योर हो कि नहीं मैं 1-2 ग्रुप क्लियर होने वाला हूँ तो कंपनीज में अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं तो आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा. एंड स्टार्ट अर्ली, दैट इज़ व्हाट आई ऑल वॉन्ट टू से, बिकॉज मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था. तो या All I want to say is start early. ऐसा मत सोचो कि हाँ एक बार रिजल्ट पास आएगा ना फिर सब करूँगी. मैं भी ऐसी थी कि पास आ जाए फिर सब हो जाएगा, बट हो भी गया था, बट लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया ना, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल नहीं कर सकते हो. तो यही सोच के अपने आप को दिलासा देती हूँ मैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल नहीं कर सकते तो ठीक है, बट मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ बता सकती हूँ, आपकी हेल्प हो सकती है सब चीज़ों से. आप मेरी गलती से सीखो कि जल्दी स्टार्ट करो, डीले मत करो, फिलहाल आपकी पढ़ाई पे फोकस करो, जब तक आपका एग्ज़ाम चल रहा है तब तक पढ़ाई पे फोकस करो, बट जैसे ही एग्ज़ाम हो जाए तो रिलैक्स मत हो जाओ एकदम कि हाँ सब कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ें करना आगे बाकी है. तो या बाय, बेस्ट ऑफ लक.